वेलकम टू आवर चैनल वाई कैन आई पी इंटरसल। गाइज कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे। गाइज मैं हूँ शुभम और आज हम एक नए कंटेंट पे बात करने वाले हैं। हमारा जो कंटेंट इससे पहले हमने अपलोड किया था वो किया था कि आप सिंगल डिस्काउंट प्रमोशन कैसे क्रिएट करें शोपी पे। आज हमारा जो कंटेंट रहेगा वो रहेगा आप शोपी पे बल्क डिस्काउंट कैसे क्रिएट करेंगे। अगर आपको कोई पर्टिकुलर डिस्काउंट किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे डिस्काउंट लगाना है तो आप उसको सिंगल कैसे करेंगे वो मैंने आपको पहले वीडियो में बता दिया है। अगर आपको नहीं पता तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। और आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एक साथ मान लो आपके 100-150 प्रोडक्ट है, जितने भी प्रोडक्ट है, और आप उन सभी पे कैसे बल्क क्रिएट करेंगे डिस्काउंट को, कैसे आप वहाँ पे डिस्काउंट क्रिएट कर पाएंगे। आज इस वीडियो में हम आपको वही बताने वाले हैं। तो वीडियो में कंप्लीट आपको बना रहना पड़ेगा, उसके बाद ही हम आपको कंप्लीट सिखा पाएंगे। तो स्क्रीन पर तो आपको जाना ही पड़ेगा, आपको पता है। तो स्क्रीन पर जाने से पहले गाइस अगर अभी तक आपको चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को जरूर लाइक कर देना बाद में। और अभी हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, अपनी स्क्रीन की तरफ, और मिलेंगे आपसे वीडियो के बाद। दोस्तों आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि आप डिस्काउंट को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। इससे पहले हमने वीडियो अपलोड किया था आप सिंगल डिस्काउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। आज इस वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं कि आप बल्क कैसे डिस्काउंट क्रिएट कर सकते हैं एक साथ बहुत सारी लिस्टिंग्स पे, क्योंकि एक एक करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर आप बल्क करना चाहते हो तो वो आज इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बल्क में कोई भी काम करने के लिए आपके पास पुराना डेटा होना चाहिए। तो वो आप कहाँ से लेंगे दोस्तों, वो डेटा आपको कहाँ से लेना है मैं आपको बता दूँ। आपको माई प्रोडक्ट सेक्शन में सबसे पहले आपके पास वो सारे एसकेयू, वो सारे डिटेल्स, वो सारे प्रोडक्ट्स होने चाहिए जो इसमें लाइव होने चाहिए, जिस पे आप बल्क प्रमोशन देना चाहते हैं। ठीक है, अभी हम बैच टूल में जाएंगे और बैच टूल से उस डेटा को मास अपडेट पे क्लिक करके अपडेट वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे और एक यहाँ से रिपोर्ट आप डाउनलोड करेंगे जिसमें आपके सारा डेटा आ जाएगा, सारी लिस्टिंग्स आ जाएगी, जो सेल्स इन्फो का सेक्शन को जनरेट कर लेंगे। यहाँ पे अभी जनरेट हो जाएगी और उसमें से आपको डेटा डन कर लेना है। सारे डेटा को आप डाउनलोड करेंगे पहले, तो मैंने डेटा डाउनलोड कर लिया है, डेटा अभी डाउनलोडिंग पे मैंने स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अभी मैं जब तक डाउनलोड हो तब तक हम बातें कर लेते हैं। और ये डाउनलोड हो ही चुकी है गाइस, तो चलिए मैं स्टार्ट कर देता हूँ। अभी हम इसको ओपन करेंगे। ओपन करके मैं आपको बता दूँ, आपको या तो प्रोडक्ट आई डी पे निशान लगा लेना है या फिर प्रोडक्ट नेम पे, जो भी आपको लेके चलना है। तो इसमें हम इसको एक नई सीट पे लेके जाते हैं और इसको रिफ्रेश कर देते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले ये सीट आपको, इसमें से जो आपका काम का नहीं है आप उसको डिलीट कर देंगे। डिलीट करके आपको पेंट एस के यू पे यहाँ से क्लिक करना है, जो भी आपका एस के यू या पेंट एस के यू जिसमें भी आपने फिल किया हो। मैंने आपको यहाँ से फाइंड आउट कर लेना है, मुझे जिस पे लगाना है मैं उसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। मुझे फ़िलहाल लगाना है एक इस वाले सेक्शन पे, तो मैं इसकी प्रोडक्ट नेम पे और एक मुझे इस वाले पे लगाना है। तो बल्क में सबसे पहले आप इसको ऐसे रन कर लेंगे या फिर इस पे और इस पे आप निशान लगा लीजिए, क्योंकि आपको दो चीज़ सर्च करने के लिए वहाँ पे मिलती है। इसके बाद आपको आ जाना है पोर्टल पे। पोर्टल पे आने के बाद आपको जाना है फिर से होम सेक्शन पे। होम सेक्शन पे जाने के बाद आपको मतलब सीधे माई मार्केटिंग सेंटर पे आ जाना है। मार्केटिंग सेंटर पे आने के बाद आपको फिर से क्रिएट पे क्लिक कर देना है। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद पहले हमने यहाँ पे अपना नाम देना है, जैसे कि हमने पहले भी वीडियो में बताया था। मान लो होली सेल्स आप लिखना चाहते हैं तो होली सेल्स, यहाँ पे आपको टाइम, ठीक है, ऑटोमेटिकली भी टाइम आता है। अगर इस पे आप रन करना चाहते हैं इस डेट पे भी रन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 25 तारीख तक इसको रन कर देता हूँ। इसके बाद ऐड प्रोडक्ट्स पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों ये यहाँ से सिंगल सिंगल होता है, आपको जाना है अपलोड प्रोडक्ट लिस्ट। अब आपको यहाँ से पहले अपने डाउनलोड को टेम्पलेट को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड टेम्पलेट पे क्लिक करके एक टेम्पलेट डिस्काउंट किस नाम से एक सीट डाउनलोड होगी उसको ओपन करना है। और यहाँ पे आपको देने हैं डिटेल्स, कुछ आपको क्या डिटेल्स देने हैं ऑप्शनल है, वो आपको नहीं देना, सिर्फ आपको प्रोडक्ट आईडी देना है यहाँ पे। तो हमें क्या क्या कौन कौन सा करना था, एक तो हमें ये वाला करना था और दूसरा हमें नीचे वाला। ठीक है, तो ये जैसे ही डन कर दोगे ये चीज़ें आपको देने की ज़रूरत नहीं है। वेरिएशन आईडी भी आपको देने की ज़रूरत वैसे नहीं होनी चाहिए, लेकिन मैं फिर भी फिल कर देता हूँ क्योंकि उस पर ऑप्शनल नहीं लिखा। तो जिस पर ऑप्शनल लिखा होता है गाइस वो वैसे हम छोड़ सकते हैं, इसमें नहीं लिखा ऑप्शनल तो ये हमें देना ही होगा, मैं इसको दे देता हूँ। इसके बाद आप ओरिजिनल प्राइस इसमें रख सकते हैं, जो भी आपका ओरिजिनल प्राइस है, डिस्काउंट प्राइस भी आप यहाँ पे रख सकते हैं। मान लो मेरा भी इसका जो ओरिजिनल प्राइस है वो 799 है, जो भी है गाइस वही आप लिखेंगे ओरिजिनल प्राइस फिलहाल जो आपने वहाँ पे डाल रखा है। डिस्काउंट प्राइस मान लो मैं इसको 299 में सेल करना चाहता हूँ तो आप यहाँ पे 299 लिखेंगे, ये ऑटोमेटिकली उस परसेंटेज ऑफ लगा देगा खुद। आपको सिर्फ यहाँ पे डिस्काउंट प्राइस देना है कि इसको सेव कर देना है सीट को, कि मुझे इतने प्राइस पे सेल करना है। इसको सीट को आपको सेव करके काट देना है। काटने के बाद आपको अपने पोर्टल पर आना है। पोर्टल पर आने के बाद इस सीट को यहाँ पर अपलोड कर देना है। जैसे इसको अपलोड करेंगे आप,
आपके पास यहाँ पे डेटा आ जाएगा, लिखा आ जाएगा आपने दो इसमें वेरिएशन ऐड की है, ये देखिए आ गया आपका डेटा। अगर ये आप चेक कर लीजिए सही है तो सही, इस पर टिक करके आप इसको कन्फर्म पे क्लिक कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कि हमने पहले वीडियो में बताया था, ये प्रमोशन स्टॉक और परचेज लिमिट स्टॉक पे, जो परचेज लिमिट है और प्रमोशन स्टॉक है, सॉरी वो परचेज लिमिट स्टॉक मैंने बोल दिया, परचेज लिमिट और प्रमोशन स्टॉक, इन दोनों पे आप लिमिट सेट कर सकते हैं। अगर आपके पास, वो मैंने पहले वीडियो में बताया था कि अगर आपके पास 1000 स्टॉक है और आपको प्रमोशन में सिर्फ 100 क्वांटिटी बेचनी है, तो आप यहाँ पे नो लिमिट पे क्लिक करके सेट लिमिट कर सकते हैं 100 क्वांटिटी। तो जैसे ही 100 क्वांटिटी के आपके पास ऑर्डर्स आ जाएंगे, ऑटोमेटिकली ये डिसेबल हो जाएगी। ऐसे ही परचेज लिमिट, मान लो एक कस्टमर आपका कोई प्रोडक्ट बाई करना चाह रहा है और वो 3 क्वांटिटी खरीदना चाहता है, आप चाहते हैं कि नहीं एक ही क्वांटिटी उसको प्रमोशन मिले या 2 क्वांटिटी में मिले, तो आप सेट लिमिट कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि नो लिमिट पे आप इसको रहने दें तो बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो अभी इसके बाद हमें कर देना है कन्फर्म। जैसे आप इसको कन्फर्म कर देंगे, आपका जो डिस्काउंट है, यहाँ पे एक बार हमें टाइम सेलेक्ट कर लेना है, टाइम मैंने ये सेलेक्ट कर लिया, कन्फर्म पे क्लिक करना है। अभी ये डन हो चुका है और आप व्यू डिटेल्स पे जाके चेक कर सकते हैं, ये कम्प्लीटली डन हो चुका है, अपकमिंग में सेक्शन में आ चुका है। ठीक है, तो अभी हमें इसको रन नहीं करना, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ गाइज, आपको डिलीट ऐसे ही करना है। गाइज उम्मीद करता हूँ अगर आपने वीडियो कंप्लीट देखी है तो आपको कंप्लीट समझ आ गया होगा कि आप बल्क डिस्काउंट क्रिएट कैसे करेंगे शॉपी पे। और अगर अभी भी आपको कोई प्रॉब्लम लग रही है, कोई दिक्कत आ रही है, कोई ऐसा पार्ट रहेगा जो आपको समझ नहीं आया, तो आप वीडियो में कमेंट कीजिए, हम आपके कमेंट का जवाब देंगे। और अगर अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जरूर लाइक करके जाना। और अगर आप वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए, अगर आपका कोई फैमिली फ्रेंड्स एनीथिंग, कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो ई कॉमर्स के बारे में सीखना चाहता है, ई कॉमर्स के बारे में नॉलेज गेन करना चाहता है या फिर ई कॉमर्स बिजनेस करना चाहता है, तो वीडियो को जरूर शेयर करिएगा उनके साथ, क्योंकि उनके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है। और हम एक नई वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।